नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बदायूं के ग्राम रहमा की मुराव गोटिया में इशाक नाम के युवक की हत्या से हड़कंप। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव रहमा की मुराव गोटिया निवासी इशाक उम्र 40 वर्ष पुत्र अबरार अली की संदिग्ध परिस्थितियों में देर रात मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को एक गठरी में बांधकर गांव के बाहर एक खेत में फेंक दिया। सुबह होने पर ग्रामीणों को खेत में गठरी दिखाई दी, उसे खोल कर देखा तो गठरी में लहूलुहान इशाक नामक एक व्यक्ति की लाश थी। आनंद फानंद में ग्रामीणों ने पहले इसकी सूचना मृतक के घर और थाने को दी। गांव हत्या की सूचना पर गांव में हड़कंप मच गया और पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक के परिजनों के अनुसार शुक्रवार देर रात इशाक घर से उठकर कहीं चला गया था, जिसका किसी को कुछ पता नहीं था। रात करीब 11 बजे मृतक की पत्नी के जागने पर देखा मेन गेट का दरवाजा खुला हुआ था, इशाक घर पर नहीं था। शनिवार सुबह गांव से बाहर खेत में उसकी लाश मिली। हत्या की तहरीर मृतक इशाक की पत्नी साहबजाना ने गाँव के ही एक महिला सहित चार लोगों के खिलाफ तहरीर थाने पुलिस को दी है, जिसमें वादी महिला ने अपने पति और आरोपियों की गहरी दोस्ती बताई है। इसी आधार पर थाने पुलिस ने एक महिला सहित चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। महिला से मृतक के संबंध चल रहे थे। इस संबंध में बिनावर थाना अध्यक्ष रविकरण ने बताया कि मृतक इशाक की पत्नी साहबजाना की तहरीर पर हत्या का मुकदमा लिख दिया है। हत्या की जांच की जा रही है। बताइए उसे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के बिनावर थाना अंतर्गत मुराब गोटिया गांव में इशाक, जिनकी उम्र लगभग 38-40 साल है, इनकी डेड बॉडी गाँव के ही परिसर में बाहर एक खेत में आज प्रातः मिली थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर आई, मौके का परीक्षण किया गया, पाया गया कि इनकी हत्या शॉल या किसी अन्य साधन से गला घोंट करके की गई है। परिजनों ने अवैध संबंधों के चलते कुछ लोगों को पे शक जाहिर किया है, जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसमें परिजनों की तहरीर पे थाना बिलौर में अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।